गुरुदेव बोले कि इस बार इंटरव्यू में हम आएंगे। तो गुरुदेव दहलीज पर खड़े थे और वहां खड़े होकर के बोले कि चाहे आंधी आए, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारा जो दैवी कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए। परिस्थितियों ने हमारे गुरुदेव को कभी भी नहीं। एक बार गुरुदेव ने कहा कि गुरुकुल में शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी, तो गुरुदेव बोले कि इस बार इंटरव्यू में हम आएंगे। तो जब गुरुदेव का आना हुआ अहमदाबाद, तो हम सब ने प्रार्थना रखी कि गुरुदेव शिक्षकों का चयन करना है, आप कब आएंगे। तो गुरुदेव ने समय दिया, तो उसके बाद में जो भी 20-25 कैंडिडेट्स जिनको चयन करके रखा था, उन्हें गुरुदेव के समक्ष लेके प्रस्तुत हुए। और उसी समय पर बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आंधी जैसी, और लाइट भी चली गई। तो उस इंटरव्यू की व्यवस्था एक हॉल में करी थी, लेकिन लाइट जाने के कारण अंदर अंधेरा हो गया था और बाहर हवा चल रही थी आंधी जैसी। तो गुरुदेव दहलीज पर खड़े थे चौखट की, और वहाँ खड़े होकर के बोले कि चाहे आंधी आए या लाइट चली जाए, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारा जो दैवी कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएं, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं, उस लक्ष्य की तरफ हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना है। और फिर गुरुदेव ने सेवक को कहा कि बाहर लॉन में ही टेबल लगाओ। और फिर गुरुदेव वहाँ विराजे, शिक्षकों का इंटरव्यू हुआ अच्छी तरह से। गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम से शिक्षकों से पूछा उनकी घर की परिस्थितियाँ, जो भी उनका था, और इस तरह से वो इंटरव्यू संपन्न हुआ। तो गुरुदेव स्वयं अपने व्यवहार से हमें सिखाते हैं। गुरुदेव के सत्संग में आज तक हमने जो भी सुना, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो हमने गुरुदेव के व्यवहार में ना देखा हो। तो हमारे जीवन में भी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, कभी अनुकूल परिस्थितियाँ आएँ, तो भी हमको ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, समीक्षा करनी है, और उस परिस्थिति का लाभ लेते हुए, अपने को मजबूत बनाते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य के प्रति। जिसका मनोबल बढ़ा हुआ होता है तो वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है। क्योंकि गुरुदेव बताते हैं ना कि कोई भी अगर हारता है तो वो पहले जब अंदर से हारता है तब वो बाहर हारता है। यदि आपका मनोबल मजबूत है, दृढ़ श्रद्धा है, परिस्थितियों का लाभ लेने की युक्ति है आपके पास, और आपने प्रभु नाम का सहारा लिया है, तो कोई भी परिस्थिति आपको कभी भी हरा नहीं सकती है। एक बार गुरुकुल के किसी विषय को लेकर के गुरुदेव से चर्चा हो रही थी, तो गुरुदेव अचानक से बोले, जल्दी जल्दी बोल, मेरा नियम बाकी है अभी। उस समय 2 बज रहे थे। तो गुरुदेव बोले कि जल्दी जल्दी बात पूरी करोगे तो उसके बाद मेरे आसन बाकी हैं, वो करूँगा, फिर सत करूँगा। तो गुरुदेव के जीवन में कितना दृढ़ नियम व्रत है। आज भी लोग बताते हैं कि जोधपुर वैकुंठ धाम में भी गुरुदेव अपने नियम उसी प्रकार से करते हैं जैसे बाहर करते थे। तो हम सबके भी जीवन में अपने नियम के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। गुरुदेव भी कहते हैं और गीता जी में भी आया है कि जिसकी श्रद्धा दृढ़ होती है वही परमात्मा को पा सकता है। तो हम सबको कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। गुरुदेव के जीवन में भी अगर हम देखें तो अलौकिक श्रद्धा देखने को मिलती है, गुरु वचनों में श्रद्धा। गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि जब दादा गुरु ने उनको आज्ञा करी थी डीसा में रहने की, तो वहाँ का वातावरण ऐसा था कि गुरुदेव कहते हैं कि मैं 7 मिनट भी वहाँ ना रह पाऊँ, लेकिन गुरु की आज्ञा थी
तो उन्होंने गुरु वचनों को श्रद्धा से पकड़े रखा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आती थी वो गुरुदेव को पत्र लिखते, लेकिन गुरुदेव कहते नहीं वहीं रहना है, तो गुरुदेव वहीं डटे रहे। कितनी बार बापू बताते थे कि कुत्ते भौंकते थे रात को भी दिन को भी, तो उन्होंने दादा गुरु को लिखा तो दादा गुरु बोलते तो क्या हुआ, ये सोचो कि ओम ओम कर रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रही है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव ने गुरु वचनों को पकड़े रखा और उन्होंने आज इतना मजबूत बनाया है हमारे बापू को कि कोई भी परिस्थिति आई, चाहे कितना ही मान, अगर हम मान देखें तो अपने गुरुदेव के जीवन में पराकाष्ठा का मान हमने देखा, शायद दूसरे का इस धरती पर कभी ऐसा मान सम्मान हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। और अपमान भी अगर देखें आज तो मीडिया वालों ने कोई कसर नहीं रखी है, लेकिन इस मान अपमान की पराकाष्ठा में जब हम देखते हैं तो हम अपने गुरुदेव को सम पाते हैं, वही आनंद, वही ज्ञान, वही दृढ़ विश्वास। आज भी लोग गुरुदेव के पास जाते हैं तो मायूस चेहरों से, लेकिन जब आते हैं तो एक अलौकिक आनंद लेकर के आते हैं, क्योंकि गुरुदेव से जब भी उनकी बात होती है, चर्चा होती है, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो चुटकियों में हल हो जाती हैं, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान का भंडार नहीं, वो ज्ञान का स्वरूप है। तो परिस्थितियों ने हमारे गुरुदेव को कभी भी नहीं डगमगाया, और बापू यही चाहते हैं कि हम सब उनके बच्चे भी उनकी तरह ही उनके ज्ञान को पचा करके और समता के सिंहासन पर विराजमान हों, ताकि दुख सुख यदि हमारे जीवन में आए तो वो हमें कभी भी विचलित नहीं कर सके।